री रिलीज हो रही है फिर से ये डरावनी फिल्म। बनाने में लग गए थे इतने साल, निर्माता के छूट गए छक्के। नमस्कार, मैं हूं नेहा, स्वागत है आज के इस वीडियो में। 2018 में एक बेहद डरावनी मूवी आई थी जिसका नाम था तुम्बाड। इस मूवी को देखने गए दर्शकों के छक्के छूट गए थे क्योंकि इस मूवी में अत्यधिक भयावह दृश्य थे। तुम्बाड अब तक देश भर की सबसे हॉरर मूवी बन चुकी है, पर क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म को बनाने में कितना समय लग गया था, साथ ही फिल्म के निर्माताओं को कैसी परिस्थितियों से गुजरना पड़ा था। दोस्तों, तुम्बाड ने ये साबित कर दिया था कि जहां एक तरफ बॉलीवुड गिरता नजर आ रहा है तो वही फिल्मों में कंटेंट ही किंग होता है। इस मूवी को IMDB पर 10 में से 8.2 रेटिंग मिली थी। इन दिनों ये फिल्म बिहार से चर्चा का विषय बनने वाली है। फिल्म निर्माता सोहम शाह तलवार से लेकर सिमरन जैसी अलग अलग फिल्मों में विभिन्न तरह की भूमिका निभा चुके हैं। वे जब तुम्बाड मूवी को दर्शकों के समक्ष लेकर आए तो मानो दर्शकों की जान ही निकल गई थी। सोहम शाह की ये भयावह मूवी एक बार फिर से दर्शकों के दिल को दहला देने वाली है। दरअसल इस मूवी को एक बार फिर पर्दे पर उतारा जा रहा है। इसकी री रिलीज डेट 30 अगस्त है। इस फिल्म को बहुत से नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड भी मिले थे। तुम्बाड मूवी के क्रिटिक्स को दर्शकों द्वारा खूब पसंद किया गया था। बता दें कि निर्माता को ये फिल्म बनाने में पूरे 7 साल लग गए थे। इतना ही नहीं, निर्माता सोहम शाह को अपने फ्लैट से लेकर कार तक बेचनी पड़ गई थी। असल में इस फिल्म को बनाने में बहुत वक्त जा रहा था। इन हालातों को देखकर फिल्म से संबंधित एक्टर, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर्स को बहुत से प्रोजेक्ट छोड़ने पड़ गए थे, लेकिन दर्शकों से मिले इतने अच्छे रिस्पॉन्स के बाद सोहम काफ़ी अचंभित थे। उन्होंने ऐसी प्रतिक्रिया की कामना बिल्कुल भी नहीं की थी। भारतीय दर्शकों के बीच आजकल हॉरर मूवी को लेकर काफ़ी उत्साह रहता है, इसलिए हॉरर फिल्मों को पसंद करने वाले दर्शकों के लिए सोहम शाह ने अपने सबसे ज़बरदस्त हॉरर मूवी तुम्बाड को एक बार फिर रिलीज करने का निर्णय लिया है। इस साल रिलीज हुई 2 हॉरर मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर अंधाधुंध कमाई की है। पहली हॉरर कॉमेडी मूवी मुनज्जा थी जिसने दर्शकों को डराने के साथ साथ हंसाने का भी काम किया था। इन दिनों दूसरी हॉरर कॉमेडी मूवी स्त्री 2 ने भी अपनी जीत का परचम लहरा दिया है। दर्शकों द्वारा इसे खूब पसंद किया जा रहा है।